सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, उत्तराखंड का मौसम जो है दो दिन से औसम है और आगे भी औसम रहेगा। शायद सब जगह बारिश हो रही है और यहाँ पे जो है मॉर्निंग से बारिश लगी हुई है, अभी इवनिंग में भी बारिश हो रही है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। और हम लोगों का जो है दो दिन जगह जाने का प्लान था बट कैंसिल हो गया है। देखते हैं, कल निपटाते हैं सारा। और अभी जस्ट हम लोगों ने चाय पी है इवनिंग में और सौम्य लोग जो है नीचे प्ले कर रहे हैं। तो सोचा आज औसम मौसम का फायदा उठाया जाए, आज बनेंगे पकौड़े आलू के, प्याज के और मिर्च के। हाँ, जो नॉर्मल मिर्ची खाते हैं ना उसके, इन लोग खाने। तो गाइज, अभी जो है टाइम हो रहा है 5:45 और हम लोग जो है बैठे हुए हैं। ये देखिए, अभी पानी से गीला हुआ है नीचे सारा, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है बट मॉर्निंग से बारिश लगी हुई है। और अभी आपको मौसम का नज़ारा दिखाते हैं छत पे जाके। प्रतीक और खुशी नीचे है जो मौसम का मज़ा ले रहे हैं। हेलो प्रतीक, से हेलो। अरे जबरू, अरे जबरू, प्रतीक जबरू। तो बारिश के बाद जो है पूरा मौसम एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा है, और सॉरी, पूरा नज़ारा अच्छे से दिखाई दे रहा है। क्या है कि बारिश के बाद सारी जो धूल थी, मिट्टी थी, सब हट चुकी है और सब कुछ एकदम क्लियर है। और अभी भी जो है बादल लगे हुए हैं और हम लोग भी जो है गर्मी में ठंड का मजा ले रहे हैं। तो ठंडे मौसम का मजा लिया जा रहा है उत्तराखंड में, और दो दिन से बारिश हो रही है और हमें ठंड भी लग रही है और मौसम हो गया है औसम। और अभी हमारे साथ जुड़ेंगे नए गेस्ट हमारे, ये कोटद्वार से आए हैं हमारे नए गेस्ट, खुशबू नेगी, खुशबू चौहान। यहाँ तो खुशबू चौहान हमारे न्यू गेस्ट, ये कोटद्वार में रहते हैं। कोटद्वार में किसे कहते हो आप? कोटद्वार में कहाँ पे रहते हो? कोटद्वार में कहाँ रहते हो? मानपुर। कोटद्वार में मानपुर रहते हैं। और अभी इनके जो मामा, यस मामा है, उनकी एंगेजमेंट हुई थी, वो वीडियो ब्लॉग भी हमने आपके शेयर किया था, तो ये उसमें आए थे और इन्होंने बहुत डांस किया है, उछल उछल के डांस किया है और मतलब फोड़ फोड़ के डांस किया है, मतलब डीजे का फ्लोर तोड़ दिया उन्होंने, बहुत अच्छा डांस करते हैं। और देखो इतना मतलब शर्माती भी है डांस के बाद, इतना मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है पता नहीं, कि ये शर्माती भी डांस के बाद, डांस कितने शर्माए तो ऐसे मत शर्माओ प्लीज। बताओ कैसे डांस किया, बताओ कितने क्या किया डांस में, किस में डांस किया, कौन से गाने डांस किया, पंजाबी डांस किया, हमने गरारी डांस किया, कौन सा किया, गरारी किया, कैसे किया, क्या झूम 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 के झूम में ली, ये लगी और किया, ये लगी टॉर्चर कर, ये सोमे में टॉर्चर कर रही है, टॉर्चर ये टॉर्चर करती है थी मेरे को। इधर 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 देख के बताओ कैसे बोलते हैं, यस कैसे फायर के दांत टूट गए अभी। तो पकौड़ों के लिए कट चुके हैं अनियन और आलू,
और साथ में बन रही है हमारी चाय, गर्मा गर्म चाय। बरसात में चाय पीने का मज़ा अलग ही होता है। तो ये चाय चढ़ चुकी है और साथ में हम लोग बनाएंगे दाल के पकौड़े। थोड़ी सी दाल भिगो कर रखी थी तो उसके पीस के भी उसके पकौड़े बनाएंगे हम। पकौड़े उसके लिए जो है बेसन का घोल तैयार किया जा रहा है। इसमें है हरी मिर्च, लाल मिर्च, और बारिश के टाइम जो है बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं पंख वाली, वो भी गिर रही हैं इसमें। अजवाइन है, जीरा है, नमक, मिर्च हल्दी, और अब डालेंगे पानी। और बारिश जो है बहुत सारी चींटियां आ गई हैं पंख वाली चींटियां। बारिश के टाइम पे जो है ये बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा आ जाते हैं लाइट में। और आज पकौड़े बनेंगे चूल्हे में। मौसम भी ठंडा है तो थोड़ी आग सेकी जाएगी और पकौड़े भी बनाए जाएंगे। सो गाइस, चाय, पकौड़े और केचप रेडी है खाने के लिए। तो हम लोग जो है अभी इसे खाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सर्दियों में, बारिश में चाय और पकौड़े खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है ना। चाय पकौड़े का मज़ा लेते हुए बारिश में पकौड़े विद चाय एंड केचप। पकौड़े बने हैं आलू के, प्याज के और दाल के। दाल बची हुई थी सुबह की, हम जब हमने जो है दाल बनाने के लिए बनाई भिगोई थी दाल, तो वो बच गई थी, तो इसलिए हमने सोचा उसके पकौड़े बनाए जाइए। तो थोड़े से हमने पकौड़े अभी बनाए दाल के और कुछ हम बनाएंगे दिन में कल। क्या है कि ये आलू और प्याज का ज़्यादा हो गया था तो हमने जो है वो होल्ड कर दिया उसे। सो गाइस, सर्दियों में और बारिश में जो है पकौड़े खाने का मज़ा जो है दुगना हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी मानसून आ चुका है, तो आप भी इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म पकौड़े गर्मा गर्म चाय के साथ। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्द लौटेंगे नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।